हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन की हाफ सेंचुरी पूरी हो गई है, लेकिन हाफ सेंचुरी पूरी होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाए गए कमेटी में हल निकलने से पहले ही दरार आ गई है। भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से अलग होने का ऐलान कर दिया है। उधर इसके साथ ही प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने यह कहकर खलबली मचा दी है कि सत्ता पक्ष और कई निर्दलीय विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन उस पर सीएम ने जो पलटवार करते हुए जवाब दिया उससे साफ हो गया है कि प्रदेश का सियासी पारा आने वाले दिनों में और चढ़ने वाला है। 50 दिनों से जारी किसान आंदोलन में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और केंद्र सरकार भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के 4 सदस्यीय कमेटी से भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। उधर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने दावा किया है कि किसान आंदोलन को लेकर बने मौजूदा राजनीतिक हालात के बाद सरकार और सहयोगी पक्ष के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हालात बने और जरूरत महसूस हुई तो कांग्रेस सरकार बनाने के लिए संविधान अनुसार कदम उठाएगी। बहुत से विधायक हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे से भी बात करते हैं, और ये भी सच है कि आज की जो स्थिति पैदा हुई है हरियाणा में, हमारा कृषि बाहुल्य प्रदेश है और सभी का नाता हमारे देहात से है, तो बहुत से लोग हैं विधायक जो नीचे की असलियत को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, चाहे उनके सहयोगी दल के हों, चाहे इंडिपेंडेंट हों, वो बात भी करते हैं, अपनी जो नाराज़गी है वो भी दिखाते हैं। हर तरह की बात होती है, लोकतंत्र है भी पैदा होती है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो स्पेस कोई ना ले। जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तब जो संविधान के हिसाब से होगा और जो स्थिति उस समय मांगेगी तो उसको फिलिंग तो करेंगे ना, कोई भी करेगा। सैलजा के इसी दावे ने प्रदेश की सियासत को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। सैलजा के बयान पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें पता है कि किसके कितने विधायक किसके साथ हैं। साथ ही उन्होंने सैलजा को सावधान रहने की सलाह भी दे डाली। राजनीतिक माहौल सब ठीक है, कोई किसी प्रकार की जो अटकलें लगाई जाती हैं, खास करके मीडिया के बंधु लगाते हैं अथवा विपक्ष के लोग लगाते हैं, उन अटकलों में कोई किसी प्रकार का दम नहीं है। हमारी सरकार एक बहुत सुंदर तरीके से मजबूती से चल रही है और अपना पूरा कार्यकाल ये सरकार करने वाली है। केसेस क्या वापस लिए जाएंगे? कुछ केसेस हरियाणा पुलिस ने लगाए थे मामले पर। देखिए, ये तो पुलिस का अपना काम होता है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जैसा भी कोई एक्शन लेना होगा पुलिस लेती है, ये सरकार का सीधा काम नहीं होता। उधर प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकातों पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा सरकार लोगों और विधायकों का विश्वास खो चुकी है, ऐसे में सरकार संकट मोचक ढूंढ रही है। हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से सरकार के विधायकों के हर रोज बयान आ रहे हैं, जेजेपी विधायक और निर्दलीय विधायक कृषि कानूनों से नाराज हैं, ऐसे में राज्यपाल से यही मांग है कि वो जल्द से जल्द सेशन बुलाएं ताकि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। जो हरियाणा सरकार है वो लोगों का भी विश्वास खो चुकी है, विधायकों का भी, अपना संकट मोचन घूम रहे हैं, क्योंकि जो इनका स्टैंड रहा आपने देखा कि जन भावनाओं के खिलाफ कोई भी स्टैंड होगा सिर्फ लोग नाराज होते हैं, यही वजह है। और कोई खास वजह तो मतलब जो हालात हैं उसमें और कोई खास वजह तो नजर नहीं आती। तो रोज रोज उनके बयान आ ही रहे हैं, अब भी बयान आए हैं, कल के बाद आज भी बयान आए हैं उनके जो जेजेपी के विधायक हैं कि जो ये कानून आए हैं कृषि कानून उनके खिलाफ हैं, क्योंकि वो जनभावना से जुड़े हुए हैं, तो यही कारण हो सकता है।
लेकिन हुड्डा के इस बयान पर इनसो अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने पलटवार किया और कहा कि जो सपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा देख रहे हैं वो कभी साकार नहीं होगा। साथ ही उन्होंने नेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर चुटकी लेते हुए कहा कि अभय चौटाला उंगली काटकर शहीद होना चाहते हैं। पूरी पार्टी का स्टैंड किसान आंदोलन पर स्पष्ट है। हमारी पार्टी के लीडर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में पहले दिन से स्पष्ट है, आज से स्पष्ट नहीं है। हम किसानों के साथ हैं। किसानों की जो भूमिका है, उनकी जो बात है, उनका जो एजेंडा है, उसको निरंतर केंद्र की सरकार, क्योंकि हरियाणा की सरकार के अधीन इसमें कुछ भी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, केंद्र की सरकार को फैसला करना है किस तरह से एक सामन्वय बनाया जाए। उसके लिए जननायक जनता पार्टी, किसानों की पार्टी, चौधरी देवीलाल जी की पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है। वो तो रात को, आधी रात को सपना जब देखते हैं हुड्डा जी गहरी नींद में, तो वो चीफ मिनिस्टर की कोठी में सो रहे होते हैं, पर सुबह आंख खोलते हैं तो फिर वो अपने घर पर होते हैं, तो वो ना तो नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसान के कंधे पर बंदूक रखकर वो गोली जो चलाना चाहते हैं वो नहीं चलने देंगे। अभय सिंह चौटाला जी के इस्तीफे से क्या आपके विधायकों पे कोई दबाव पड़ा है, क्योंकि वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि भाई इलाहाबाद, मैं उनको ये चैलेंज कर रहा हूं कि वो दो लाइन का इस्तीफा लिख के दे दें कि मैं विधायक पद से इस्तीफा देता हूं। इतना टेढ़ा मेढ़ा इस्तीफा, और उसके अंदर जो उनने विधानसभा के लिए टिप्पणी की है वो बहुत चैलेंजिंग बात कही उनने। हमारी डेमोक्रेसी के लिए उंगली कटाकर शहीद बनना चाहते हैं। किसान आंदोलन के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। सरकार किसानों के साथ न्याय करने का दावा कर रही है तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर किसानों को अंधेरे में रखने का आरोप लगा रहा है, जिससे सरकार के विधायक और सहयोगी विधायक नाराज है। ऐसे में जिस तरह से शैलजा ने दावे किए हैं उससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या हरियाणा में ऑल इज वेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसान आंदोलन के पूरे 50 दिन आज हो गए, लेकिन समाधान की आस अब भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी उसमें से एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि समाधान कैसे निकलेगा। साथ ही प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने दावा किया है कि सत्ता पक्ष के और सहयोगी पक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, ऐसे में सियासत जो है प्रदेश की वो भी पूरी तरह से चरम पे है, और इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरकार, सियासत और समिति को लेकर कि आखिर जो ये राजनीति चल रही है क्या इसको लेकर कोई समाधान होगा या सिर्फ ऐसे ही सियासत बढ़ती रहेगी। हमारे साथ सतीश नंबरदार प्रदेश प्रभारी भाकियू के जुड़ चुके हैं और रमन मलिक प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल सतीश जी से। सतीश जी, जिस तरह से आज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय जो कमिटी जो बनाई थी उसमें से आज भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया, उसको आप किस तरह से देखते हैं और किसानों के लिए ये किस तरह से इसको देखा जाए? भूपेंद्र सिंह मान ने तो आज बोल दिया कि मैं किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं समिति से अलग होता हूं। रहे वो उनके 3 साथी, 3 साथी तो किताबी आदमी हैं, वो किसानों के बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो उन्होंने पहले भी समर्थन किया था। और आज हमारे जो एडवोकेट थे मिस्टर दवे, उन्होंने भी आज किसान आंदोलन के पक्ष में अपना सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया। इस किसानों का क्या लगता है कि भूपेंद्र सिंह मान अब इस समिति से हट गए हैं, तो वैसे में क्या लगता है कि क्या इससे फायदा होगा आप लोगों को? आप लोगों की बात रखी जाएगी अगर दूसरे किसी सदस्य को लाया जाता है? जैसे आप लोगों का ये किसानों का आरोप रहा है कि ये लोग पहले समर्थन कर चुके हैं, लेकिन जिस लोगों को आप लोग चाहते हैं अगर कोर्ट कहती है कि ऐसे किसी सदस्य को इस कमेटी में एंटर किया जाए, तो क्या लगता है आप लोग चाहते हैं कि इस तरह कोई सदस्य इस कमेटी में आए? 11 सदस्यीय कमेटी बनाइए जिसमें 6 किसान होंगे, 5 सरकार के नुमाइंदे होंगे। और मेरे को तो ये लग रहा है, मेरे को ये लग रहा है और ये कोर्ट और भाजपा की सरकार का मैच फिक्स है। जब जब 26 जनवरी नजदीक आई है, 40 दिन से कुछ बोल नहीं रहे थे, जब ये नजदीक आई 26 जनवरी, इन्होंने ये देखा यहाँ KMP की रैली, तो इसमें एकदम सरकार ने समिति गठित कर दी, किसी किसान से सलाह भी नहीं ली समिति की। और किसान तो कोर्ट समिति तो सर सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है ना, सरकार ने तो गठित नहीं किया।
किसान सुप्रीम कोर्ट से मामले नहीं गया था, सरकार से मामले गया था, प्रधानमंत्री के पास गया था किसान। सुप्रीम कोर्ट तो भाजपा की मैच फिक्सिंग का कारण लग रहा है हमारे को। कल जिस तरह से किसान संगठनों के नेता और केंद्र सरकार के बीच बैठक है, क्या आप लोग कल बैठक में जाएंगे? रमन जी आपके पास हम आ रहे हैं, जवाब लेंगे। आपकी चैनल के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उनकी नियत के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। प्रश्न चिन्ह नहीं करवाया जा रहा है, उनसे सिर्फ उनकी राय जानी जा रही है। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने बोला भाजपा और सुप्रीम कोर्ट का फिक्स मैच है, आप रिकॉर्डिंग देख के लीजिए। उनकी सिर्फ राय जानी जा रही है, कंटेम्प्ट है कोर्ट का। सिर्फ किसान की राय जानी जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। सम्मान करते हैं, कोई भी सवाल नहीं उठाया जा रहा है, कोई भी सवाल नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन इनसे सिर्फ इनकी राय जानी जा रही है, पूछी जा रही है कि जो एक व्यक्ति कमेटी से चले गए हैं उसका क्या इन पे असर पड़ेगा। एक एक सवाल का जवाब इनसे हमको ले दीजिए, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। रमन जी, कल जो सतीश जी, कल जो बैठक है सरकार और आप लोगों के बीच, किसान नेताओं के बीच, उस पर क्या कल आप लोग बातचीत करेंगे? मैं आपकी चैनल को भी ये आगाह, हम बातचीत के लिए सदैव तैयार रहे हैं, सरकार से बातचीत के लिए आगे भी तैयार रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट इसमें पर इंटेंट के ऊपर सवाल उठा रहा है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है, आप इश्यू बना रहे हैं। आपके गेस्ट ने अभी उठाया है, उनकी राय जानी जा रही है, उनकी राय जानी जा रही है कि जो चला गया है उसके बारे में उसका क्या असर होगा आपके आंदोलन पर, वो पूछा जा रहा है सवाल। चैनल नहीं कह रहा है, चैनल नहीं कह रहा है कुछ भी, रमन जी चैनल कुछ भी नहीं कह रहा, चैनल ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं जिम्मेवार हूं, मैं रिमाइंड करके देख लीजिए, मैं बोला हूं चैनल कर लिए, आपके सामने है ना, आपके सामने है, जवाब दे रहे हैं। आप पहले बात तो सुनिए, मैं पूछ तो रहा हूं उनसे, शब्द वापस लेने चाहिए। बोलिए सतीश जी। मैं बोल रहा हूं नहीं लेता वापस शब्द, कोर्ट में किसान गया ही नहीं, कोर्ट ने अपने आप सहानुभूति दिखाई किसान के प्रति। नहीं देखिए, वो अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी तो बनाई है ना, हम उस पे नहीं जाते हैं ना, हम आप कल बात करते हैं ना कि कल जो आप लोग मीटिंग होनी है केंद्र सरकार के साथ, क्या आप लोग जाएंगे, बातचीत होगी कल या फिर इंतजार करेंगे? हम जाने के लिए सदैव तैयार रहे हैं, हम सदैव तैयार रहे जाने के लिए, और हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने सरकार ने 7 तारीख से 15 तारीख दी, जिसमें हमारे 3000 किसान बुजुर्ग जो आज माइंड अपसेटेड है, किसी का बीपी आई है, इस टेंशन में 1 डिग्री टेम्परेचर पे बैठे हुए, और सरकार ने 8 दिन का टाइम दे दिया। ठीक है, रमन जी लगातार हमारे साथ बने हुए, रमन मलिक जी जी, एक आस थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई है और हो सकता है कि कुछ समाधान निकलता, लेकिन जिस तरह से आज भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस लिया है, क्या नहीं लगता कि आगे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? भरोसा क्यों कम हो रहा है? दो तीन विषय सामने रख देता हूं जी, और ये मैं अपने मनमर्जी से नहीं बोल रहा, देश की नेशनल न्यूज चैनल ने इस तरीके के प्रोग्राम, इस तरीके के खबरें सूत्रों से बताई कि माननीय सदस्य इस कमेटी के जो मान साहब हैं, उनको बकायदा उनके परिवार वालों को ट्रोल करा गया, धमकियां दी गई। लेकिन हम उस विषय पे नहीं जाते क्योंकि वो उसके सबूत मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर फालतू टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा, ये वही मान साहब हैं जो कांग्रेस की उस कमेटी में भी थे जिसने ये प्रपोज करा था कि एपीएमसी को ही तोड़ दिया जाए, और उसके उस समय तो इनके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला, आज जरूर बोल रहे हैं। एक गुलाटी जी की बात होती है, शायद वो जो है सीपी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहता हूं, और अभी आपके चैनल पे जिस प्रकार से आपके गेस्ट ने बोला, जवाब लेंगे जी, बोलिए, जिस तरह से आपके गेस्ट ने बोला कि ये बीजेपी और कोर्ट के माध्यम से करवा दिया जा रहा है, या बीजेपी करवा रही है, इसका मतलब आप कोर्ट के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट बीजेपी के प्रभाव के अंतर्गत चल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा के ऊपर प्रहार है।
बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। आपने अगर उसका कंडेमिनेशन अपनी चैनल पे नहीं करा और अपने गेस्ट से वापस नहीं वर्ड मंगवाए तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस पर अगर संज्ञान ले ले तो एक्शन भी ले सकता है। चौथी चीज सर जो मैं बार बार आपसे बोलता हूँ और आपकी चैनल पे बोलता हूँ, ये बार बार बोलते हैं कि हमने मांगे नहीं थे कानून। ऐसे तो इनकम टैक्स का कानून है, अब सारे लोग ये बोलने लग जाए कि हम तो इनकम टैक्स का कानून हमने तो मांगा नहीं था, आपने क्यों दे दिया। ठीक है जी, जो जो कत्ल करे वो बोले 302 हमने नहीं मांगा था क्यों दे दिया। उसके अलावा आज आप ये बोले कि आपके जो एक छोटा सा ले लेते हैं कि जो मकान बनते हैं कि हमने 6 स्टोरी बनानी है या नहीं बनानी ये हम जाने, आपने कानून क्यों बना दिया कि इतने मंजिल बनेगा और इतने नहीं बनेगा। तो कानून व्यवस्था समाज को संभालने के लिए, देश को संभालने के लिए चलती है, चाहिए है। उसका जो अधिकार है देश की जनता अपने मताधिकार को यूज करते हुए एक संसद बनाती है जो देश के कानून बनाते हैं, और उसके बाद उसके बाद अगर इतना ही है तो देश की जनता 2024 में हमको हटा देगी, जो सरकार आएगी वो हटा दे। और इसके अलावा लास्ट क्लोजिंग सेंटेंस बोल रहा हूं, पंजाब में जहां से मुख्यतः ये काफी सारे किसान आए हुए हैं, मैं आज चैलेंज करता हूं आपसे, आपके 500 से ऊपर जत्थेबंदियां है ना, एक भी ये करा दे कि जी दो काम करा दो पंजाब के अंदर, एक तो 9 फसलों के ऊपर हरियाणा की तरह MSP दिलवा दो, और दूसरा उनको बोलो पंजाब को कि जी ये कानून इंप्लीमेंट ना करें। उन्होंने इंप्लीमेंट क्यों करे ये बता दो, बस इतना सा। ठीक है, सरकार आपके साथ है ना। सुखवंत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेलो प्रवक्ता। सुखवंत सिंह जी, क्या आवाज मिल रही है? बिल्कुल खालिद भाई, सर स्वागत है आपका। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि आपके भी जो नेता हैं अभय सिंह चौटाला, कल से ट्रैक्टर रैली करने एक तरह से यात्रा करेंगे उन्होंने कहा है, और साथ ही वो बोले हैं कि वो फिजिकली जाके अपने इस्तीफा जो है वो सौंपेंगे। जी धन्यवाद खालिद भाई, आपने बात रखने का मौका दिया और मेरे को थोड़ा सा समय दे, मैं आपके सवाल पर भी बात करूंगा और रमन मलिक जी ने जो बात रखी उस पर भी बात करूंगा। जी जल्दी से। सबसे पहले तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो है ना फिजिकली किसानों को अपना समर्थन दिया है, आगे भी लगातार हम देते रहेंगे, जिस किस प्रकार की भी परिस्थितियों में आवश्यकता होगी और किसान आंदोलन को हमारी आवश्यकता होगी उसी प्रकार से हम एडजस्टमेंट करके अपना सहयोग देते रहेंगे और तहसील जाके हम अपना त्याग पत्र देंगे, क्योंकि हम अपनी जुबान के पक्के हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला एकमात्र ऐसे नेता है इस देश में जो जो कहते हैं वही करते हैं। दूसरी मैं रमन मलिक जी की बात चाहूंगा, वो बार बार कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कह करके आपके चैनल को भी और सभी लम्बरदार को भी डरा रहे थे। अब रमन मलिक भाई, मैं प्रैक्टाइजिंग लॉयर हूँ और मैं कहता हूँ मैं इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की मान करके, सरकार की मान करके ये कमेटी बनाई। अब मेरा आधार क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा आधार ये है कि जो व्यक्ति जो पहले से ही इन बिलों का समर्थन करते हैं और इन बिलों को ये बताते हैं कि ये किसान के लिए अमृत साबित होंगे, उन्हीं लोगों को कमेटी में ले लेना या बीजेपी और सरकार की बात को मजबूत करना नहीं है। और उस वक्त जबकि सुप्रीम कोर्ट को पहले से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल किसानों ने उठाए थे कि इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट कुछ करने वाला है। दूसरी बात, जब 4 जजों ने बाहर निकल करके इस केस को ये बताया कि हमारे हम न्याय नहीं कर पा रहे, हमारे ऊपर दबाव है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हालात ये हैं, जब उन्होंने वो हालात बयान किए तब सुप्रीम कोर्ट की तोहिन नहीं हुई। जिन लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए, जिस बीजेपी की सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मलिक जी कोर्ट उनके ऊपर नहीं बनना चाहिए क्या? अब मैं अगली इनकी बात से आता हूँ, जो कहते हैं कि 2024 में हमें हटा दे। खालिद भाई, लोकतंत्र सतत चलने वाली प्रक्रिया है, 24 घंटे काम करती है, 1 मिनट काम करती है। जनता किसी भी सांसद को सुनते वक्त उसको ये पावर और बटोनी देती है कि आप मेरे यहाँ पे जाके संसद में काम करें। अगर वो संसद में जाकर के उसी जनता के विरुद्ध काम करेगा जिसने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, तो जनता को अगले मिनट उस पावर ऑफ अटॉर्नी को विड्रॉ करने का अधिकार है। 5 साल इंतजार नहीं करती इन लोगों के विरुद्ध, इन किसानों के विरुद्ध। आप बार बार इनके सांसद अगर बेकायद की करेंगे तो वो 5 साल इंतजार करेंगे क्या? ठीक है रमन मलिक जी, जवाब दीजिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का किस प्रकार से सरकार की धज्जा होगा ये मैं बताता हूँ इस बात को। सुप्रीम कोर्ट से जवाब लेते हैं, कोर्ट को हम पहले जवाब तो ले ले रमन सिंह।
रमन सिंह जी से जवाब रमन मलिक जी से जवाब कीजिएगा। रमन मलिक जी सुखवान जी रुक जाइए, बोलिए सर। देखिए सबसे पहली बात जो ये पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर रहे हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की तरह दी हुई है और जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी हुई है। अगर आपने जब वो टाइम बाउंड आपने दी हुई है तो वो टाइम बाउंड रहेगी, जो उसके अंदर लिखा हुआ वो रहेगा, आप अपनी मनमर्जी से नहीं हटा लेंगे। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज आ रही है जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं अभी, देखिए ये कमेटी के ये लोग, इनके क्रेडेंशियल्स वो हैं जिनको जो सीएचसीपी का जिनको चार्ज दिया गया, जिनको एडवाइजरी कमेटीज में रखा गया, और ये हमने नहीं रखा, या जिनको अवार्ड दिए गए वो हमने नहीं दिए, हमारी सरकारों ने नहीं दिए गए, वो सारे उस समय दिए थे जब हम विपक्ष में थे। इससे ज्यादा निष्पक्षता क्या हो सकती है कि वो लोग जिन्होंने हमारे विपक्ष में होते हुए सरकार का साथ दिया था, हमने तो ये नहीं बोला कि आप इसको लो और इसको ना लो, लेकिन अगर कोर्ट ने उसको लिया तो भी हमने उनका सम्मान, कोर्ट का सम्मान करते हुए हमने बोला ठीक है, बिल्कुल क्योंकि हम ये सर, चाहते कोर्ट हैं, का तो सम्मान करना चाहिए और सबको करना चाहिए, लेकिन जो संदेह किसानों में पैदा हो रहा है ना, उस पे सवाल का हल निकले, हम ये चाहते हैं कि मसले का हल निकले, और वो उसी से निकलेगा कि जब हम बैठेंगे, विचार करेंगे, कुछ वो हटेंगे, कुछ हम हटेंगे, और हम ब्रिज को बनाएंगे। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि ये कानून निरस्त कर दो, तो मेरे वकील साथी हैं, मेरे दूसरे लोग हैं, ये बताएं ना कौन सी धारा के अंदर संविधान के हम ये कानून को वापस मोड़ दें, और दूसरी चीज इसमें संशोधन अगर अलाउड है तो आप संशोधन क्यों नहीं करते? ठीक है सतीश जी, संशोधन करना। सतीश जी, रमन मलिक जी के जब सवालों का जवाब दीजिए जो सवाल उठा रहे हैं वो। सतीश जी क्या आवाज मिल रही है? किसान लोग के हक में मिल रही है, जब भी तो सुप्रीम कोर्ट न मानते हो उनको सटे लगाने की बोल रहा है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, मैं न मानिए सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, और इस बात के लिए मेरे को अपना शक जाहिर है। अब 50 दिन दो महीने का उसने टाइम दिया है, और आप दो महीने इसको बैठे हुए हो गए, दो महीने आप किसान को, डेढ़ महीना पद क्या उन दिन बैठे हुए हो गए और दो महीने और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दे दिया, किसान कहाँ जाएगा? ये तो वो जाने जिन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके, और ये कोई भी इवेंट जब ऑर्गेनाइज होता है, अगर कल को भाजपा कोई रैली करती है, इनेलो कोई रैली करती है, कांग्रेस कोई रैली करती है, तो फिर उस रैली के अंदर आने वाले लोगों की सुरक्षा, ये उनकी व्यवस्था, ये ऑर्गेनाइजर किसान अपने बलबूते पर बैठा हुआ है। नहीं नहीं सर, ये जो किसान ये अली बाबा के वो जो 40 आए हैं ना, ये उनमें से लोगों की जिम्मेवारी है सर, ये तो उन्होंने ऑर्गेनाइज करा, योगेंद्र यादव जैसे करूँ खुद बनाता है और पूरे देश को खिलाता है। ऐसे आरोप प्रत्यारोप से तो समाधान नहीं निकलेगा ना। ठीक है, हमें एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा रमन मलिक जी। जैसे वापस आएंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी है, उस पर हम ये बात रख रहे हैं। 50 दिन हो गए, 50 दिन तक अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। इसके अलावा जिस तरह से प्रदेश में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि सत्ता पक्ष और उसके कुछ सहयोगी हैं वो उनके संपर्क में है, इसी पे हम रमन मलिक जी से जान लेते हैं। रमन मलिक जी, सवाल यह है कि जिस तरह से आज कुमारी शैलजा का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और कुछ सहयोगी जो विधायक हैं वो उनके संपर्क में है, क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या प्रदेश सरकार के अंदर जिस तरह से दावे किए गए हैं, भाई मेरे को या इस आंदोलन का असर पड़ रहा है सरकार पर? प्रदेश सरकार बिल्कुल पक्की है, सतीश जी आ रहे कमी पेशी नहीं है जी, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूँ आपके चैनल पे, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन इतना जरूर बोल दूंगा कि INC हरियाणा के सभी विधायक और हुड्डा कांग्रेस के तीन या चार विधायक, इनकी गिनती भी कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा संभाल के रख लें, अंगगणित बिगड़ जाएगा। है क्या किसी का नाम वाम है क्या आप लोगों के पास, जरा बता दीजिए जो संपर्क में। जितना बोलना था साहब मैं बोल चुका हूँ।
सर आप तो कह भी रहे हैं, आप भी दावे कर रहे हैं, वो भी दावे कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा ना, कुछ तो नाम तो होगा। वो तो इधर उधर की बात कर रहे हैं, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ। संभाल सको तो अपने संभालो। हुड्डा साहब ने सेकेंड टर्म में जब 40 विधायक कांग्रेस के आए थे तो 5 खोस लिए थे अपना कुलदीप बिश्नोई के जी। वो पूरा टाइम स्पीकर ने कोई उस पर फैसला नहीं दिया, ये याद है ना आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन तो जो 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 चुरा के काम चलाया था उन्होंने पिछली सेकेंड टर्म में अपनी, मैं इतना जरूर आपको बोल सकता हूँ कि मैंने आपको कुछ अंकगणित बता दिया। अब ये बुद्धिमान को इशारा काफी होता है सर, इशारा तो काफी है, लेकिन अगर नाम बता देते तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाता ना। नहीं बस ठीक है, बहुत है भाई साहब, इससे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए जी, बोलिए। मिस्टर मलिक साहब को बता देना चाहता हूँ, आर्टिकल 19 के तहत मैं अपना पूरे का पूरा बोल सकता हूँ और अपने मेरा ये अधिकार आर्टिकल 19 के तहत, जो मेरे को मलिक साहब धमकी दे रहे थे कोर्ट ऑफ कंडम की, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट सर। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना भी हम सब नागरिकों का कर्तव्य, हमारे साथ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये मेरा अधिकार भी है आर्टिकल 19 में। अधिकार या मेरा अधिकार संपूर्ण नहीं है, ये पहला संशोधन हुआ था संविधान के अंदर, प्लीज जाके पढ़िए, मैं भी पढ़ के आया हूँ। ठीक है, सुमित गौड़ भी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित जी आपका स्वागत है। सतीश जी हम आपके पास आते हैं, इस पर बहस करेंगे, लेकिन 7 दिन का समय दिया है। सुमित जी क्या आवाज मिल रही है? हाँ जी आवाज मिल रही है जी। सुमित जी मेरा सबसे पहले सवाल यह है कि जिस तरह से आज कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी और उसके कई सहयोगी जो विधायक हैं वो उनके संपर्क में हैं, वो कौन लोग हैं जरा बताएंगे क्या आप? क्या कह रहे हैं आप, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, क्या कह रहे हैं आप? सवाल यह है कि आज प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी के कुछ विधायक हैं कुछ और कुछ सहयोगी विधायक हैं जो उनके संपर्क में, और जरूरी अगर हुआ तो वो सरकार भी बनाने के लिए संविधान के तहत कदम उठा सकती हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी की एक कदावर नेता हैं, हरियाणा की अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनके बयान में जी किसी भी तरह का संदेह करना एकदम अनैतिक होगा और गलत होगा। तो अगर उन्होंने उन्होंने कहा है तो ये बात सही में होगी और ये आगे साबित भी होगी। तो बता नाम तो बता दीजिए कौन कौन संपर्क में है, क्योंकि बीजेपी तो यही दावा कर रही है और सीएम ने भी सावधान किया है आप लोगों को। देखिए आप अपने कुंबा बचा के रखिए, आलम यहाँ तक आ चुका है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के, इंडिपेंडेंट विधायकों को लंच कराते घूम रहे हैं, अपने विधायकों को डिनर कराते घूम रहे हैं, पकड़ते हुए घूम रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये जो फूट बेल की जो नौबत है ये बीजेपी के अंदर है, और ये इनके अंदर भी आने के दो कारण है। एक तो इनको दिखाई दे गया कि अब प्रदेश की और देश की जनता का मोह बीजेपी से और उसके जुमलों से भंग हो चुका है, और किसानों से जो ये बीजेपी टक्कर ले रही है बिना बात जबरदस्ती, और जो इस देश के अन्नदाता भगवान को बीजेपी दुखी कर रही है, उसको उसके बाद आगे का भविष्य बीजेपी के विधायकों को दिख रहा है। ये कुछ समझदार लोग हैं जो अपना आगे का भविष्य बचाने के लिए बीजेपी से पल्ला झाड़ने बहुत जल्द पल्ला झाड़ने जा रहे हैं। कुछ तो सुमजी आज दिखाई दे रही होगी, कोई भी ऐसा विधायक होगा जो आश्वासन दे रहा होगा कि अगर जिस तरह से भूपेन्द्र सिंह हुड्डा भी लगातार यही कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और वहां पता चल जाएगा, तो कोई तो होगा, नाम नहीं बता सकते क्या? देखिए ऐसा है जी कि नाम डिस्क्लोज अभी नहीं करे जाएंगे। आपको पता है कि बीजेपी ही एक ऐसी हिटलर शाही सरकार है जो हर इंसान को दबाना जानती है, किसी को धन बल से, किसी को अलग अलग डिपार्टमेंटों के माध्यम से, किसी को कोर्ट के माध्यम से। बीजेपी आज की डेट में अपनी पावर का पूरे खुलेआम दुरुपयोग कर रही है, तो हम नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है रमन मलिक जी, आप भी नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते और सुमित जी भी होगी या राज्यसभा के जैसे ही होगा, इनकी गिनती पूरी हो जाएगी या राज्यसभा चुनाव की तरह ही होगा? रमन जी बेहतर होगा कि अभी आप सब लोग हरियाणा के जितने भी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आप लोग डिबेट में आना बंद कर दें, इन किसानों की सोचें, ये बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठ जाइए। पहले सबसे पहले जो अरे मेरे भाई
बड़ा अहम मुद्दा है किसानों का, उसको उसके पीछे अपनी सरकार से झगड़िए। अभी ना कांग्रेस से झगड़िए, ना सुमित गौर से झगड़िए, अभी झगड़िए मिदनी और पार्टी के किसानों का, इनकी मांग सुने, इनके ऊपर जम करना बंद कर दे। हाँ जी सुनाइए रमन जी। पंडित जी वैसे मकर संक्रांति है, आपको नमन करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच ऑफ यू। बोलता हूँ इतनी सी बात बोलता हूँ पंडित जी कि दो चीजों का ध्यान रखना कि मैं तो ये बता चुका हूँ कि आईएनसी के विधायक और हुड्डा कांग्रेस में से कुछ विधायक, ये इनकी गिनती संभाल के रखना, कहीं ये ना हो कि अविश्वास प्रस्ताव लाओ और जो राज्यसभा के चुनावों में हाल हुआ था वही हो जाए। रमन जी पहली बात तो ये कांग्रेस के सभी विधायक कांग्रेस के हैं, कोई हुड्डा कांग्रेस नहीं है, केवल एक ही कांग्रेस होगा कांग्रेस पार्टी, और हुड्डा साहब भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और विधायक सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के हैं, तो कांग्रेस पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आज की आप एक चीज बताइए, आप कांग्रेस में आप सोच रहे ऐसा हो सकता है, आज गूंगा बहरा अंधा भी इस बात को कह रहा है कि आप दोनों नाम नहीं बताना चाहते हैं लेकिन दावे दोनों कर रहे हैं। रमन जी और सुमित जी, रमन जी सुमित जी नाम नहीं बता रहे और दावे हवा में कर रहे हैं, कैसे जनता विश्वास करेगी कि आपके दाव में कितना दम है। हमने तो बता दिया, हमने तो प्रकरण भी बता दिया, अब और बताओ क्या बोलूं, अब आपकी थोड़ी बोली जाती है चैनल के ऊपर। मैं तो इस दावे में ही नहीं पड़ता, मैं तो आपसे कहता हूं भैया ये छोड़िए विद इन पार्टी फाइट, पहले किसानों की सोचिए, छोड़ दीजिए कांग्रेस पार्टी के उनके नेताओं की। ठीक है सतीश जी, चला या नहीं पता सतीश जी, ठीक है रमन जी और सुमित जी, थोड़ा सा समित जी सतीश जी से भी ले लेते हैं थोड़ा रिएक्शन। सतीश जी क्या लगता है आपको कि ये जो आंदोलन है अब उसकी आग सरकारों पर भी पड़ने लगी है, उसकी तपिश वहां तक भी पहुंच रही है जिस तरह से दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि किसान ये जो एमएलएज हैं इनको अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आंदोलन हर घर घर पे चल पड़ा है और आपने देख भी लिया होगा, कल शाम को देख भी लिया होगा, हर घर में हर गली में किस तरह है इसके जो ये कानून की ये फर्तियां थी चढ़ाई गई है। दो या तीन जिले जो हर घर में चढ़ाई गई है, तो आज ये जो भाजपा की सरकार बैठी है इसने अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। मेरे भाई दो या तीन जिले बाईस नहीं हो जाते, ये ध्यान रखना सर। लेकिन लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं का विरोध हुआ है उसे तो आपको भी रमन जी मानना चाहिए कि नाराजगी है क्योंकि सरकार रोके हुए है। रमन जी अरे अगर आप गांव वालों को के विपक्ष करने के बाद, गांव वालों के विरोध करने के बाद धक्का मुक्की से अपने अपने एक चरूनी के जो इम्पोर्टेड लोग हैं उनको घुसा दोगे तो क्या आपको लगता है कि वो विरोध हो जाएगा? सर सर प्रशासन तो आपके पास है ना, प्रशासन को ऐसे लोगों को तो नहीं घुसने देना चाहिए। आपने किस तरह से देखा किस तरह से विरोध हुआ बड़े बड़े नेताओं का, नाम नहीं लेंगे लेकिन बड़े बड़े नेताओं का लोगों ने तो देखा, प्रशासन कहाँ था फिर जब ऐसे लोग आके वहाँ पे उत्पात मचा रहे थे? कहाँ था कहाँ नहीं था, अगर हम हाथ अगर प्रशासन अपनी कार्रवाई करता तो बोलते हैं वो कैनन कैनन चला दिए, आंसू गैस चला दिए। कैनन तो चल ही रहा था, कैनन और आंसू गैस तो चल रही राजनीति खेलो, जो किसान कथित किसान नेता हैं और कुछ विपक्षी हैं करने के लिए हमारे लोगों का गांव वालों का कुछ ना कुछ हानि हो जाए और कुछ हानि के आप पे हम अपनी देखेंगे, ऐसे पाप में हम नहीं भागीदार बनेंगे। पाप में आपके तो पूरे घरे भर चुके हैं जी, मैं ऑन डिबेट कह रहा हूँ आपको कि आपके पापों का फल नक्षत्र देखो जल्दी से हरियाणा में भी फूट होने वाली है कांग्रेस की। रमन जी हरियाणा में कांग्रेस की फूट के छोड़िए आप अपनी पार्टी संभालिए, सतीश जी अपनी पार्टी आप संभालिए, आपकी तो बार-बार नहीं जब नहीं सर आप बिना कृषि कानून पे किसानों के मुद्दे पे आ जाते हैं क्योंकि आप लोग नाम तो बता नहीं रहे, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, नाम तो बताते कम से कम कि कौन किसके संपर्क में है तो जनता को ये भी पता चलती बात। सतीश जी बोलिए बोलिए सतीश जी, सुनो सतीश जी बोलिए, आते हैं रमन जी आते हैं आपके पास सतीश जी। पार्टी एक है कल भी एक छत के नीचे ठीक है, बता देना चाहता हूँ रमन जी
सतीश जी बोलिए। कल भी कांग्रेस पार्टी के सुमित जी प्लीज विधायक पूर्व विधायक आपके गवर्न हाउस का घेराव करने जा रहे हैं कल चंडीगढ़। कांग्रेस पार्टी में कोई फूट नहीं है, आप अपनी बीजेपी पार्टी को अपनी नीति को संभालिए और इन किसानों के परिवार को संभालिए। ज्यादा अनिति मचाएंगे तो पाप का घड़ा कभी भी फट सकता है, ध्यान रखिए। हाँ जैसे दिल्ली में फटवाया था ना, ईंट से ईंट बजा दो। कहा आप लोग क्या क्या बात करते, महंगाई का आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर सर पे लेके आपकी आपकी केंद्रीय मंत्री सोनिया गांधी ने बोला था ना, ईंट से ईंट बजा दो। कहाँगे आपके वादे, कहाँगे आपके जुमले। दिल्ली में सोनिया गांधी ने जब सीए की प्रोटेस्ट हो रही थी तो बोला था ईंट से ईंट बजा दो, उसके बाद दंगे हुए, हर्ष मंदिर वगैरह को भेजा। यहाँ कौन कौन से फिट कर रहे हैं भाई, वो भी बता दो नाम। हाँ कुछ फिट करने की जरूरत नहीं है, आपको किसान और जनता सभी वर्ग आपको सब जगह अपनी जगह फिट कर देंगे। आप सुमित जी और रमन जी प्लीज सतीश जी को बोले दीजिए। सतीश जी प्लीज बोलिए। मैं क्या कर रहा था फरवरी 2016 में वही रमन जी। सुमित जी प्लीज किसान नेता को भी बात करने दीजिए। आप लोग आप लोग सिर्फ दावे कर रहे हैं, सच्चाई नहीं बता रहे जनता को। बोलने दीजिए सतीश जी, सतीश जी को बोलने दीजिए। कैसे लागू करे रेवेन्यू नहीं हमारे पास, अभी आगे है क्या। सुमित जी प्लीज बोलिए, सतीश जी बोलिए, बात रखिए अपनी। वही था लेकिन फेल हो गया। ठीक है सतीश जी बोलिए, सुनने की मत रखिए, अपनी बारी आज बोलिए। मैं बता देना चाहता हूँ प्रवक्ता जी को, 12% टैक्स होता था, 12% वैट और 28% पर चला गया, और किसान के लिए एमएसपी के लिए बोलते हमारे पास रेवेन्यू नहीं। सिर्फ वैट याद है, बाकी टैक्स नहीं याद है। और बात करते हैं हमेशा, अरे आप क्या किसान में क्या है, करने की करेंगे आप? नेता बनते हो कम से कम चीजों को पता करके आओ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ना चलो 12% वैट था, तो 12% वैट के साथ एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज, स्टेट बाकी ड्यूटियां वो भूल गए हो। ये तो जीएसटी में सबको मिला के एक करके बंद कर दिया कि इससे फालतू टैक्स ना लगे। 32% कर दिया ना, अरे 32% टैक्स भरते थे किसान के बिजली के बिल पे भी आपने 28% वैट लगा दिया। 32% भरते थे बीजेपी वालों के पास रेवेन्यू केवल किसानों के लिए खत्म है, इन बीजेपी वालों के पास रेवेन्यू केवल विकास कार्यों के लिए खत्म है, बाकी इनके पास वोट लुटने के लिए अपनी तीनों स्टेटों में नहीं करी। हमने 1,00,000 करोड़ किसानों को दिया है। किसानों को आपने क्या दिया, आपको हम बताएं कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने 1,10,000 करोड़ सर रमन जी ने जब इतना सारा कुछ आपकी सरकार ने किसानों को दिया है। सुमित जी एक मिनट, अगर ये सतीश रमन जी जब इतनी सारी चीजें आपकी सरकार ने किसानों को दी है तो आप 3 कृषि कानून भी वापस ले लीजिए और एमएसपी पर लिखित गारंटी, कानूनी गारंटी दे दीजिए, चले जाएं खुश होकर किसान। पे लिखित गारंटी एमएसपी के ऊपर ये प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं और हम बोल चुके हैं कि हम ये कानून बना के मांग रहे हैं ना, ये गारंटी कानूनी मांग रहे हैं। जिस तरह से कानून पास हुआ है 3 कृषि कानून, उसी तरह से कानून पास करके दे दे एमएसपी पे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है, मिनिमम मैक्सिमम नहीं मांग रहा है, मिनिमम दे दीजिए। इसके ऊपर किसान जितना किसानों को फायदा होगा तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश को फायदा होगा। कानून बनाने में क्या हर्ज है? कभी खत्म नहीं होगी, ये लिख के देने को तैयार। कानून बनाने में क्या हर्ज है? ये लिख के देने को तैयार। कानून बनाने में क्या हर्ज है? कानून तो बनवा दीजिए। किसानों में डर है तो उस डर को दूर करने का काम भी सरकार को। एक एक करके सब कुछ अस्त व्यस्त है। अरे अस्त व्यस्त तो आपकी जेबें हो गई हैं साहब, बेचारे वाड्रा जैसे गरीब किसान फिस गए, चिदम्बरम जैसे फिस गए, इसलिए आपको दिक्कत है। पुश्तैनी बहुत बड़ी, चिंता मत करो, पुश्तैनी मिला हमें, अब आप लोगों को कुछ नहीं मिला और आप लोग किसी लूटने खसोटने में लगे हुए हैं। अरे हमारे को लूटने की जरूरत नहीं है, हम तो अपना छोड़ के देते हैं। कांग्रेस पार्टी के किसी भी तरह ऐसा किया ना करेंगे। ठीक है बोलिए सतीश जी, बोलिए भाव से आए हैं सतीश जी, बोलिए आए सिर्फ सिर्फ कमाने के लिए, लूटने के लिए, जुमलेबाजी करने के लिए। सुमित जी आते हैं, मैं प्रवक्ता जी से एक बात पूछना चाहता हूँ जी। एक बार घोटाला कहा गया
भी मिलान मिलेगा। घोटाला कहा गया इलेक्शन के टाइम पा जाते बाद में कहा गए सुमित जी अपनी बारी में बोलिए प्लीज। सतीश जी कंटिन्यू बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ आज तक किस किस को सजा दिलवा पाए? सैप्टन जी घोटाला बोल रहे थे, कॉमनवेल्थ घोटाला बोल रहे थे, सिर्फ ये वोट के टाइम पे जब आज तक प्रधानमंत्री यहां तक नहीं आए और वोट का टाइम पे खेल पर भी जाते हैं वोट मांगने के लिए और किसान ने झोली भर के वोट दिया और दूसरी सरकारी उसमें भी मोदी मोदी के नाम लगाकर मोदी साहब को विजय बनाकर भेजा लेकिन किसानों के ऊपर आज तक एक शब्द नहीं बोला। और 150 किसान शहीद हो चुके हैं, प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला आज तक। रमन जी इनका आवाज एको हो रहा है, थोड़ा सा इनके प्रश्न बता दीजिए तो जवाब दूं। ये कह रहे हैं कि जो किसान हैं वो शहीद हो रहे हैं यहाँ पर ठंड की वजह से, लेकिन एक शब्द भी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला उन किसानों के लिए जो इस ठंड की वजह से अपनी जान गंवाई आंदोलन के दौरान। देखिए प्रधानमंत्री को किसी भी समय करनी और बोलने की जो विषय है वो तो ये मैं पहले भी इस तरफ इंगित कर चुका हूँ कि जो इसके आयोजक हैं चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो आयोजक हैं आयोजकों की जिम्मेदारी तो बनती है साहब। लेकिन हाँ प्रधानमंत्री जी को दुख है, अगर प्रधानमंत्री जी को दुख ना होता तो वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे लोगों से एक जो जिसे कहना चाहिए ना इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए बहुत जल्दी हो जाता सर। लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार का अगर दुख है और ये सरकार रमन जी अगर दुख है तो एक बार प्रधानमंत्री को जरूर इन बॉर्डरों पर बैठे किसानों से मिलना चाहिए, हो सकता है कि इनका मन साफ हो जाए, ये पीएम की बात को समझ और वापस चले जाए, ये भी तो हो सकता है। एक चीज बोलता हूँ इनको बोलिए ये बीच में से वामपंथी एलिमेंट खालिस्तानी एलिमेंट सर अब ये जो किसान बैठा है किसी को वामपंथी वामपंथी खालिस्तानी बना दीजिएगा, ये आंदोलन आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये इससे आंदोलन खत्म होगा, इन आरोपों से आंदोलन खत्म होगा कि और इसमें आग फैलेगी। ये रमन जी इस तरह के आरोप लगा के आप किसानों का अपमान नहीं कर रहे हैं? अगर वहाँ पे खालिस्तानी है तो आपके पास प्रशासन है, आपने किसी को पकड़ा वहाँ से? हाँ, मैं बताता हूँ अगर कोई बात खालिस्तानी से बोलो आई कार्ड दिखाएं किसी का पकड़ के सुनाएं आरोप लगा रहे हैं। पहले ये किसान चुनाव से पहले इनके लिए अंदाजा जो देश के लिए खतरा उसको आपने छोड़ दिया, आज वो किसान इनके लिए खालिस्तानी हो गया। सुमित जी जरा शांति से सुनो, कई चीजें क्यों सुनो राजनीति से ऊपर होती है, सुमित जी कई चीजें राजनीति से ऊपर होती है, मेरी बात पूरी ध्यान से सुनो। राजनीति आप कर रहे हैं जितना काउंटर आप जी बोलिए गलत लगे तो सरकार को मेरे बात सुनो, ये जो किसान बिकने को तैयार हो जाए और तो ये फिर गुलाम बन जाएगा, फिर ये खालिस्तानी भी दिलाएगा और ये कुछ भी दिलाएगा उग्रवादी भी दिलाएगा। हम जवाब लेंगे, पहले रमन जी से जवाब ले लेते हैं जल्दी से। रमन जी प्लीज, जो सिख फॉर जस्टिस की चिट्ठी आई है सामने मीडिया में भी आई है, मेरे पास भी है कॉपी, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इस सिंगू बॉर्डर से या कहीं से भी जो किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं अगर उनमें से कोई भी खालिस्तान का झंडा रिपब्लिक डे परेड पर गणतंत्र दिवस की परेड में या इंडिया गेट के ऊपर लगा देता है तो उसको $2.5 लाख दिए जाएंगे। उसके अलावा जिस प्रकार से पहले ये वीडियो आए हुए हैं कि हम आपकी हर तरीके से सहायता कर रहे हैं और भी चीजें आई हैं। अब होता क्या है कि जब इस तरीके का माहौल हो उसका ऐसी शक्तियां फायदा उठाना चाहती हैं, हमारे को हमारे किसान भाइयों को और हमारे देश के जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो उसको बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है और ऐसे आइडेंटिफाई करके मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो किसान नेता हो कि ये वामपंथियों को छोड़ दो बट उसके अलावा जो जेन्युइन किसान नेता है उनको ऐसे एलिमेंट कहीं भी दिखें तो उनको प्रशासन को वहां पे जो प्रशासन उनकी सेवा में लगा हुआ है उसको इंगित करके उस व्यक्ति को वहां से हटाना चाहिए ताकि हमारे देश के किसानों के ऊपर
सतीश जी के परिवार लोग चैनल देख रहे हैं, वो भी आपके लिए बुरा भला कह रहे हैं। हाँ जी सुमित जी, फाइनल कमेंट सतीश जी बोलिए जल्दी से। हमारे माननीय राज्यपाल जी ने आज खुली चिट्ठी में भी ऐलान कर दिया, हम 26 जनवरी की परेड में और जो भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनके पास 26 जनवरी को नहीं जा रहे हैं, ये क्योंकि ये हमारे सम्मान का प्रतीक है, इसमें हमारे बेटे हैं फौज में, हमारे यहाँ किसान के दो बेटे रहे हमेशा, एक जवान एक किसान, और हमेशा किसान देश के सम्मान के लिए खड़ा रहा। मैं मिस्टर मलिक साहब को भी बता देना चाहता हूँ, किसान के हरियाणा के हर घर से जो पंजाब के मेरे भाई आए हुए हैं उनका पूरा खाना लेके अपने घर से आते, रोजमर्रा की हर जरूरत की चीज हरियाणा के हर घर से आ रही है। अब कैसे इल्जाम लगा देंगे अगर खालिस्तानी या शायद को मेरे को लग रहा है ये भाजपा की कोई चाल है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, वक्त की कमी है, इस डिबेट को हमको यहीं रुकना है क्योंकि वक्त की कमी है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका